हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से हमारे एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सिखाएंगे बैकग्राउंड में येलो इफेक्ट्स कैसे डालें, वो भी सिर्फ एक ही स्टेप में। तो आप भी इतना ही प्यारा बैकग्राउंड में येलो इफेक्ट डालना चाहते हो और बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप ये देख सकते हो, ये हमारा पहले का फ़ोटो है जो कि एडिट किया हुआ नहीं है, और एडिट के बाद का देख सकते हो कितना प्यारा लुक आ रहा है अपने में। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन चलते हैं आगे की ओर। तो आप जो भी फ़ोटो एडिट करोगे वो फ़ोटो आप लाइटरूम में ऐड कर लेना। तो अपन चलते हैं लाइटरूम में, अपन आ जाएंगे सबसे पहले लाइटरूम में, ठीक है। तो लाइटरूम में आने से पहले अपन फ़ोटो ऐड कर लेंगे पहले लाइटरूम में, गैलरी में जाके। तो मैं ये वाला फ़ोटो जो कि एडिट करने वाला हूँ, तो मैं पहले ही गैलरी में जाकर फ़ोटो लाइटरूम में ऐड कर लिया था, ठीक है। तो आप लोग भी प्लीज़ ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद इस पर अपन क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी इस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद अपन ये जो अपना थर्ड नंबर वाला ये दिख रहा है अपन को, एडिट का ऑप्शन है, इस एडिट वाले पर अपन क्लिक कर देंगे। एडिट वाले पे क्लिक करने के बाद अपन जो अपना ऑटो का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑटो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस ऑटो पे क्लिक करने से ये होता है कि अपना जो भी फ़ोटो अपना ज़्यादा लाइट रहता है या फिर ज़्यादा गोरा या ज़्यादा ब्लैक रहता है वो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ये अपना पहले का और ये अभी का, जो कि अपना हल्का फुल्का कलर एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। इतना करने के बाद अपन आ जाएंगे कलर वाले ऑप्शन पर, जो कि ये थर्ड नंबर पर है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो प्लीज़ आप ये ध्यान से देखना इसको। इस पर अपन क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो अपना ये है जो 10% बढ़ा हुआ है ना, इसको अपन 100% कर देंगे, ओके। या फिर आपके आपके फ़ोन में जितना अच्छा लगे, सॉरी आपके फ़ोटो पे, उस हिसाब से आप इसको रख सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद अपन आ जाएंगे यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे, जो कि आप ये देख सकते हो फर्स्ट नंबर पर। इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो अपना ये आ चुका है रेड वाला, जो कि फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। अगर आप रेड देख सकते हो, रेड अपना ये कपड़ा है, टी शर्ट रेड है, तो अपना ये भी रेड है, ठीक है। अगर आप रेड टी शर्ट को अगर कलर बदलना चाहते हो तो आप रेड वाले के जो ये फर्स्ट वाला है इसको आगे पीछे करोगे, तो ये क्या है कि अपने आप ही कलर बदलता रहेगा, ठीक है। अगर पिंक रखना है अपन को, रेड रखना है आपको, जो भी रखना है आप यहाँ से रख सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद ये सेकेंड वाला देख सकते हो, इससे अपना हल्का होता है या डार्क होता है, उससे थोड़ा लाइट होता है, ठीक है। तो ये भी आप कर लेना, ठीक है, एक बार ट्राई जरूर करना। इतना करने के बाद अपन आ जाएंगे सेकंड वाले ऑप्शन पे, जो कि अपना ऑरेंज कलर का है। ध्यान से देख सकते हो आप, रेड वाले के बगल में अपना सेकंड वाला है। इस सेकंड वाले पे अपन क्लिक कर देंगे। सेकंड वाले पे क्लिक करने के बाद जो अपना ये सेकंड वाले को फर्स्ट को छोड़ देना है, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट को छोड़ देना और सेकेंड को 15-20% माइनस कर देना। 15-20% माइनस करने के बाद जो अपना ये थर्ड नंबर वाला है, उसको अपने फ़ोटो के अनुसार इसको बढ़ा लेंगे, ठीक है। अगर आपका फेस ज़्यादा वाइट है तो इसको नॉर्मल रख सकते हैं, या फिर ज़्यादा वाइट है तो इसको अपन कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपने पास ज़्यादा ब्लैक है तो इसको अपन 100 कर सकते हैं, ओके। पर अपन को 100 नहीं करना, अपन को नॉर्मली रखना है, तो अपन इतना 50 के आसपास कर सकते हैं। ये अपना फेस गोरा और स्मूथ करने का काम आता है, ठीक है। इतना करने के बाद अपन आ जाएंगे येल्लो वाले ऑप्शन पर, जो कि अपना थर्ड नंबर पर है। इस थर्ड नंबर वाले पर अपन क्लिक करके जो अपना फर्स्ट है वहाँ से आप आगे पीछे करके अपना कलर चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड का, ठीक है। तो अपन इसको फुल कर देंगे, या फिर इसको आप कम भी कर सकते हो, और जो भी आपको कलर करना है वो आप यहाँ से रख सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद जो अपना ये सेकंड वाला है, इस सेकंड वाले को भी हल्का सा बढ़ा देंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, 40 और 50 के ही बीच में रखना है, ठीक है। इतना करने के बाद अपन आ जाएंगे थर्ड नंबर वाले पर, और इसको ये लाइट का काम करता है अपना बैकग्राउंड में, देख सकते हो। तो इसको 100 अपन रख लेंगे, ओके। इतना करने के बाद अपन आ जाएंगे ग्रीन वाले ऑप्शन पे। इस ग्रीन वाले पर अपन क्लिक कर देंगे, और ये भी वही काम आता है बैकग्राउंड चेंज करने का। अगर आपको येलो रखना है, या फिर हल्का येलो रखना है, या ग्रीन रखना है, या फुल ग्रीन रखना है, आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो अपन इसको बिल्कुल ही येल्लो रखेंगे अपन, तो इसको येल्लो कर देते हैं, ठीक है। येल्लो करने के बाद इसको अपन को डार्क रखना है या फिर हल्का येल्लो रखना है, आप इस सेकेंड वाले से कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो आप, तो इसको फुल 100 कर देते, और फिर भी अपन को बैकग्राउंड में लाइट देना है या लाइट कम करना है वो इसका थर्ड नंबर वाले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अपन को कम रखना है या ज़्यादा रखना है, तो अपन इसको नॉर्मल रख लेते हैं, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, इसको अपन नॉर्मल रख लेते हैं। इतना करने के बाद अपन आ जाएंगे ब्लू वाले में। इस ब्लू वाले आप कलर देख सकते हो, जो अपना जीन्स का कलर है, इससे आप आराम से जीन्स का कलर बदल सकते हो। तो ये फर्स्ट वाले से आप देख सकते हो, ये जीन्स का कलर बदल सकता है, ठीक है। तो अपन इसको हल्का सा नीला रख लेते हैं,
और इसको कर देते सेकंड वाले को फुल। फुल भी कर सकते हो या आप कम भी कर सकते हो, कम रखना चाहो तो कम भी रख सकते हो, वैसे कम अच्छा लग रहा है इस पर तो इसको अपन कम ही रखेंगे। कम रखने के बाद जो अपने ऊपर ऑप्शन दिख रहा है डन का, इस डन पे अपन क्लिक कर देंगे और कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको एडिट कर देंगे। ये हो चुका अपना फ़ोटो एडिट। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप ये देख सकते हो ये अपना पहले का और ये आपका, जो कि कितना प्यारा हो चुका अपना बैकग्राउंड। तो इसको अपन गैलरी में सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए शेयर वाले बटन पर अपन क्लिक करेंगे और सेव कॉपी डिवाइस पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।